नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में वीसीपी में हम लोग क्या क्या गलती करते हैं और जो जो गलती के बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो जब भी आप वीसीपी में काम कीजिएगा आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और जो हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो देखिएगा, हम लोगों से जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाता है। और जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा और इलेक्ट्रिकल का वीसीपी के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या पूछता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों के अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले दोस्तों एक नंबर में क्या आ जाता है कि जो वीसीपी हम लोग बोल रहे हैं तो वीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, इसमें देखिएगा बहुत सा फ्रेंड को मालूम भी है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीसीपी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अभी दो नंबर में दोस्तों अभी आ जाता है कि क्वेश्चन के बारे में, और जब आप इंटरव्यू दीजिएगा उस टाइम भी आपको पूछेगा कि वीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो जो वीसीपी में आप काम कर रहे थे वो वीसीपी आपका कितना एम्पियर का था, और देखिएगा ज्यादातर हम लोग 1250 एम्पियर वाला वीसीपी में काम करते हैं। और तीन नंबर में दोस्तों आ जाता है इसका रेटेड एम्पियर, वो कितना रहता है, 1600 एम्पियर रहता है, कभी भी मिलाकर देख लीजिएगा। अभी चार नंबर में आ जाता है, देखिएगा एकदम नॉर्मल जैसा क्वेश्चन पूछता है कि जो वीसीपी में आपका स्प्रिंग चार्जिंग के लिए मोटर था वो मोटर कितना वोल्ट का था। ज्यादातर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि 230 वोल्ट एसी का है मोटर, और जो आपका 230 वोल्ट वाला मोटर है ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा था। तो देखिए अगर 230 वोल्ट वाला जो कनेक्शन रहता है, इससे पहले मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इस जगह में कोई कोई जगह में 230 वोल्ट का भी रहता है, कोई कोई जगह में 110 वोल्ट का भी रहता है। अगर आप कोई भी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं तो एक बार मिला के देख लीजिएगा, ज्यादातर आपको 230 वोल्ट वाला ही स्प्रिंग चार्जिंग के लिए मोटर लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। अभी पांच नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जो वीसीपी रहता है वो किसके लिए रहता है कि ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में कुछ भी फॉल्ट आएगा तो वीसीपी हमारा ट्रिप होना चाहिए। देखिएगा बहुत बार हम लोगों को कितना सारा ट्रिपिंग देखने के लिए मिलता है, आर्थ फॉल्ट का ट्रिपिंग देखने के लिए मिलता है, ओवर करेंट का मिलता है, उसके बाद और भी बहुत सारा ट्रिपिंग दिया हुआ रहता है। मैं प्रैक्टिकल वीडियो डाल के भी आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा, तब क्या होगा आपके अंदर में और जितना सारा डाउट है क्लियर हो जाएगा। अभी पांच नंबर में आ जाता है, इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, टीएनसी स्विच, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच। और इसके ऊपर देखिएगा, मैं जितना डिटेल्स में आप लोगों को इससे पहले वीडियो बनाकर समझाया हूँ, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसी में आपको वीसीपी का जो कंट्रोल सर्किट है वो भी आपको मिल जाएगा, और प्रॉपर तरीके से वीसीपी में जो आपका क्लोजिंग कॉइल है और ट्रिपिंग कॉइल है ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में भी आपको मालूम हो जाएगा। अभी वीसीपी जब आप ऑन करते हैं उस टाइम आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप वीसीपी को ऑन कीजिएगा तो क्या क्या गलती हम लोग करते हैं। तो पहले आपको देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है, एयर कूलिंग वाला है या ऑयल कूलिंग वाला है। अगर आपके पास देखिएगा अभी के डेट में ज्यादातर ऑयल कूलिंग वाला ही ट्रांसफार्मर आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर को जब आप ऑन करिएगा वीसीपी से तो पहले आपको देखना है कि जो आपका ऑयल कूलिंग के लिए मोटर लगा हुआ है तो मोटर आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ऑयल वाला मोटर आप नहीं चालू कीजिएगा और वीसीपी में जाकर टीएनसी स्विच को बार बार घुमाइएगा तो किसी भी हाल में आपका वीसीपी ऑन नहीं होगा। सात नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जो हमारा ये ऑयल कूलिंग के लिए मोटर लगा हुआ है, ठीक है, तो ज्यादातर देखिएगा आपका कितना किलोवाट का रहता है, 7.5 किलोवाट का रहता है, ठीक है, ये भी एक बार मिलाकर आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके पास ऑयल कूलिंग वाला ट्रांसफार्मर है तब। अभी सात नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जो वीसीपी में जितना सारा आपका ट्रिपिंग के लिए रिले रहता है, जैसे ओवर करेंट हो गया, आर्क फॉल्ट हो गया, देखिएगा बहुत सारा, मैं प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा उस पर आपको और भी क्लीन समझ में आ जाएगा। और सात नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जो आपका
ट्रांसफार्मर में ऑयल है इसको ठंडा करने के लिए आपका सॉफ्ट वाटर हम लोग चालू करते हैं। किसके थ्रू चालू करते हैं कि ये जो ऑयल हमारा ठंडा होगा वो पानी देके ही ठंडा करना पड़ेगा। तो ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग जो पानी चलाते हैं और पानी के लिए हम लोग दो मोटर लगाते हैं। कोई कोई जगह में जो आपका मोटर है मोटर के साथ इंटरलॉक दिया हुआ रहता है कि जब तक आपका सॉफ्ट वाटर चालू नहीं होगा तब तक आपका किसी भी हाल में वीसीपी ऑन नहीं होगा। तो ये दोनों चीज आपको पहले देख लेना है क्या हमारा ट्रांसफार्मर में ऑयल वाला जो पाम है वो आपका चालू है या नहीं है। उसके बाद जो आपका सॉफ्ट वाटर से ऑयल को ठंडा करेगा ये भी मोटर आपका चालू है या नहीं है। अगर ये दोनों आप बिना चालू किए ही वीसीपी को ऑन करिएगा तो देखिएगा ऑन नहीं होगा। अभी आठ नंबर में आ जाता है कि वीसीपी में हमारा जितना साला रिले दिया हुआ है जैसे ओवर करंट 8 वोल्ट ये जितना सारा रिले है कोई भी आपका ट्रिप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कारण से एक भी रिले आपका ट्रिप रह जाएगा तब भी आपका वीसीपी ऑन नहीं होगा। और जब आप बार बार टीएनसी स्विच को घुमाइएगा कितना भी कोशिश कर लीजिएगा ऑन नहीं होगा। अभी कभी कभी क्या होता है दोस्तों ये जो आपका टीएनसी स्विच है तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं कि ऑटो में आपका चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप टीएनसी स्विच को घुमा के ऑन कर रहे हैं वीसीपी को तो देख रहे हैं कि टीएनसी स्विच से हमारा वीसीपी ऑन नहीं हो रहा है और आपका ऑयल पंप सॉफ्ट वाटर का मोटर सारा चीज आपका नॉर्मल है मतलब सारा चीज आपका चालू है फिर भी आपका वीसीपी ऑन नहीं हो रहा है। और कोई कंपनी में देखिएगा जब आपका वीसीपी ट्रिप हो जाता है तो पहले आप जाके देख लिए कि 8 वोल्ट में ट्रिप है या ओवर करंट में ट्रिप है। उसके बाद रिसेट करके जब आप दोबारा चालू कर रहे हैं तो जब आप ऑटो में टीएनसी स्विच को घुमा रहे हैं मतलब क्लोज कर रहे हैं उस टाइम आपका किसी भी हाल में वीसीपी ऑन नहीं हो रहा है। तो उस टाइम आपको क्या करना है देखना है कि हमारा जो ये टीएनसी स्विच है ये अगर मान लीजिए कि कोई कारण से खराब हो गया है या आपका ऑटो में ऑपरेट नहीं हो रहा है उस टाइम आपको वीसीपी को मैनुअल में चालू करना है। और जब भी आप वीसीपी में काम कीजिएगा दिमाग एकदम बिल्कुल ठंडा रखना है क्योंकि वीसीपी में जब भी हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारा चीज सेफ्टी देख के ही काम करना पड़ता है। तो इस जगह में दोस्तों अगर आपका टीएनसी स्विच काम नहीं भी कर रहा है तब भी आप मैनुअल में वीसीपी को चालू कर सकते हैं। देखिएगा वीसीपी में एक आपका ऑन के लिए भी रहता है एक आपका ऑफ के लिए भी रहता है ठीक है। तो एक देखिएगा लंबा जैसा हमारा डंडा रहता है डंडा देके जब आप ऑन वाला को प्रेस कीजिएगा तो आपका ऑन हो जाएगा और मैन्युअली आपका बंद भी कर सकते हैं। तो जो आप डंडा लेके ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं इसको हम लोग मैनुअल में वीसीपी को ऑन करने के लिए बोलते हैं और जब आपका टीएनसी स्विच खराब होता है तब आपको मैनुअल में ऑन करना है। अगर मान लीजिएगा टीएनसी स्विच आपका ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आपको ऑटो में ऑन करना है। मतलब टीएनसी स्विच में देखिएगा एक तरफ आपका ट्रिप लिखा हुआ रहता है एक तरफ आपका क्लोज लिखा हुआ रहता है। जब आप क्लोज की तरफ घुमाइएगा तब आपका वीसीपी ऑन होना चाहिए जब आप ट्रिप की तरफ घुमाइएगा तो आपका ट्रिप भी होना चाहिए। और टीएनसी स्विच बीचों बीच रहता है मतलब हमारा हमेशा न्यूट्रल पोजिशन में ही रहता है। अभी 10 नंबर में दोस्तों और भी हम लोग क्या गलती करते हैं कि तुरंत एकदम फर्नेस कोई कारण से ट्रिप हो गया वीसीपी अगर कोई कारण से ट्रिप हो गया तो जल्दी में तो वीसीपी के पास हम लोग पहुंच जाते हैं लेकिन अगर कोई कारण से टीएनसी स्विच आपका काम नहीं कर रहा है तो हम लोग थोड़ा सा क्या होता है डाउट बना हो रहता है कि हमारा ऑटो में क्यों चालू नहीं हो रहा है। तो उसी टाइम जो आपका सीनियर रहेगा उससे एक बार बात कर लीजिएगा बात करने के बाद आपको तुरंत मैनुअल में चालू करना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि टीएनसी स्विच से हमारा ऑन नहीं हो रहा था अब हम क्या करें उसी टाइम मैनुअल में चालू करिएगा तो देखिएगा कोई भी वीसीपी आपका मैनुअल में चालू हो जाएगा। अगर कोई भी रिले जो है ट्रिपिंग नहीं रहना चाहिए ऑयल पंप सॉफ्ट वाटर का जो मोटर है जिसको हम लोग लिफ्टिंग पंप बोलते हैं वो भी आपका चालू हो मतलब सारा सिस्टम आपका नॉर्मल है तो आप आराम से मैनुअल में चालू कर सकते हैं। अभी जो आपका मेन पॉइंट है वो तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं और जो आपका क्लोजिंग कॉइल है क्लोजिंग कॉइल हमारा कितना वोल्ट का रहता है 110 वोल्ट डीसी का रहता है ठीक है। और जो आपका ट्रिप कॉइल रहता है ये भी आपका 110 वोल्ट डीसी का ही रहता है। और
देखिए ना, बहुत सा फ्रेंड हमको ये भी पूछा था कि जब आप वीसीपी का सर्किट के बारे में बताए थे तो इसका इंटरलॉकिंग के बारे में भी बताइएगा। तो ऑलरेडी एक वीडियो बना के ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाया हूँ, उस वीडियो को देखे नहीं है तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो का ड्रॉइंग बना के आप लोगों को समझाऊंगा तो उससे भी आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। और अभी इस जगह में दोस्तों जितना सारा चीज मैं आप लोगों को बताया हूँ इसको भी एकदम नोट करके रखिएगा, क्योंकि इसी में से देखिएगा जब भी आप कोई भी इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे पूछेगा। अभी 13 नंबर में दोस्तों क्या आ जाता है कि जो आपका वाइंडिंग टेम्परेचर है और ऑयल टेम्परेचर है, देखिएगा कोई भी जगह में एक होता है हमारा ऑयल टेम्परेचर और एक होता है वाइंडिंग टेम्परेचर। तो जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि अगर आप ऑयल कूलिंग वाला ट्रांसफार्मर में काम किए हैं तो इसका वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर कितना था। तो ये भी आपको एक बार देख के रखना है कि हमारा 39 डिग्री था और ये हमारा 40 डिग्री था, तो इस हिसाब से आपको बताना है। और जब तक आप एक बार प्रैक्टिकल में नहीं देखिएगा तब तक आपका अंदर में जो डाउट है सारा डाउट क्लियर नहीं होता है। और कुछ कुछ तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो डाल के भी आप लोगों को समझाता हूँ। तो जो जो बेसिक नॉलेज है वीसीबी के बारे में ये पहले आपको अच्छा से एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं बनाइएगा तब तक आपको वीसीबी में काम करने में दिक्कत होता है। अभी बहुत सा देखिएगा वीसीबी में क्या होता है, छोटा छोटा लिमिट स्विच भी लगा हुआ रहता है, और लिमिट स्विच अगर आपका सर्किट में है तो उसका भी इंटरलॉक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और देखिएगा जब आप वीसीबी को ऑन कर रहे हैं तब हम लोगों को और एक गलती नजर में आता है कि हम बार बार टीएनसी स्विच को घुमा रहे हैं और मैनुअल में ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हमारा ना टीएनसी स्विच काम कर रहा है ना ऑन ऑफ वाला जो बटन है वो काम कर रहा है। तो उस टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि वीसीपी में हमारा जो स्प्रिंग चार्जिंग है या नहीं है। बिना स्प्रिंग चार्जिंग रहेगा तो आपका वीसीपी ऑन नहीं होगा। तो पहले ही देखिएगा स्प्रिंग चार्जिंग के लिए एक इंडिकेशन लैंप भी लगा हुआ रहता है, उसको भी आपको देखना है क्या हमारा इंडिकेशन लैंप वाला जो लाइट है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। उसी लाइट से हम लोगों को पता चलता है कि वीसीबी में हमारा स्प्रिंग चार्जिंग है या नहीं है। देखिएगा ज्यादातर हम लोग ये सब ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आप वीसीबी ऑन नहीं कर पाते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से जितना सारा पॉइंट में आप लोगों को बताया हूँ ये सब पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो वीसीबी ऑन करने में कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।